पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी नू आमदन तो वध जायदाद मामले च गिरफ्तार कर लिया। ओपी सोनी नू बीते कल यानी 9 जुलाई नू चंडीगढ़ के एक मॉल तो गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ तो अमृतसर रेंज विजिलेंस ब्यूरो लिया गया। अमृतसर रेंज के विजिलेंस ब्यूरो वालों जारी डेटा मुताबिक 1 अप्रैल 2016 तो 31 मार्च 2022 तक ओपी सोनी की आमदन 4.52 करोड़ सी। दूसरे पास ओपी सोनी का खर्चा 12.48 करोड़ जो कि आमदन तो 7.96 करोड़ वध है। यह खर्च उन्होंने आमदन नालों 176% ज्यादा दसिया जा रहा है। ओपी सोनी के इल्जाम ने कि इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी सुमन सोनी और बेटे राघव सोनी के नाम से जायदाद भी बनाई ने। तस्वीर अमृतसर स्थित उन्होंने रिहायश दिया ने जिथे उन्होंने परिवारिक मैंबर ने कहा है कि मौजूदा सरकार बदले की भावना के नाल सब कुछ कर रही है। जेकर लोड़ पई तो वह हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पंजाब विजिलेंस अज अदालत दे विच साबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी नू पेश कर रिमांड हासिल करेगी। हर एक चीज़ जी कानून मुताबक होंगी है, कानून अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी होएगा जिसने भी पंजाब के खजाने के नाल कोई जड़ी हेर फेर की है छेड़छाड़ की आ कानून अपने अनुसार काम करेगा। वो तो किसी जी 90-95 लाख रुपए पाया गया। बाकी कार्रवाई अजे इन्वेस्टिगेशन चल रही है।